ऐसा कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन टाइम टाइम पर ये आपको रियलाइज हो जाता है और आपका जो दिमाग है वो इस बात को मान लेता है कि समय, परिस्थिति और पावर के हिसाब से कानून भी खुद को बदलता रहता है और कानून के हाथ उतने लंबे नहीं होते कि पावरफुल लोगों तक बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाए। सिया फिल्म का ट्रेलर जब आया था तो देखने के बाद यही लगता है कि कहानी एक ऐसे गांव की होगी जहां पे सत्ता बाहुबलियों के पास है, पावरफुल लोगों के पास है, और उसका असर एक ऐसे परिवार पे पड़ता है जो बिल्कुल पावरफुल नहीं है। देखने के बाद ये कह सकते हैं अब आप कि समाज का सबसे झकझोर देने वाला जो मुद्दा है वो इस फिल्म का केंद्र बिंदु है और वो है रेप और बलात्कार। टीजर में भी दिखता है कि एक लड़की जंजीर में बंधी रहती है और विनीत सिंह जो इस फिल्म में मुख्य किरदार प्ले कर रहे हैं महेंद्र बाबू का, उनको वो लड़की कहती है कि मुझे लड़ाई लड़नी है, मुझे इंसाफ चाहिए। ट्रेलर आने के बाद ये देख करके और ज्यादा लगता है कि कहानी एक ऐसे परिवार की है जो समाज के शायद सबसे नीचे के तबके से आता है, लेकिन पावरफुल लोगों की गंदी नजर पड़ जाती है उस परिवार पे और उस लड़की सिया पे जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है पूजा पांडे। पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है कानूनी लड़ाई, कोर्ट कचहरी, अदालत, वकील, दांव पेच, पावर, पैसा, सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। 16 सितंबर को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा थिएटर्स में। इसका ट्रेलर आया 24 अगस्त को। विनीत सिंह लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वकील की भूमिका में है, पूजा पांडे सिया का कैरेक्टर प्ले कर रही है और यूपी नंबर की एक गाड़ी दिखती है जिसमें लड़की को घसीट करके ले जाया जाता है, फिर उसके साथ गलत होता है और लड़ाई उसी की है कि किस तरीके से उसे न्याय मिलता है। और एक लाइन और है कि ऐसे न्याय का क्या फायदा जब न्याय पाने वाला जिंदा ही ना रहे। मनीष मुंद्रा इस फिल्म से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, यानी कि एज अ डायरेक्टर उनका डेब्यू हो रहा है सिया फिल्म से। लेकिन मनीष मुंद्रा और दृश्यम फिल्म्स वैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं जो सोशल मैसेज देकर के जाती है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। फिल्म मसान की बात करें, फिल्म न्यूटन की बात करें, आंखों देखी की बात करें, धनक की बात करें, ये सारी फिल्में ऑलमोस्ट अवार्ड विनिंग रही हैं। और न्यूटन जो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स के लिए, मसान को कांस में अवार्ड मिल चुके हैं, आंखों देखी का आईएमडीबी पे रेटिंग बहुत ही कमाल का है और अभी से कुछ दिनों पहले लव हॉस्टल आई थी इनकी, राम प्रसाद की 13वीं आई थी। सो फिल्म के डायलॉग्स भी दिल को टच कर जाने वाले होंगे या फिर आपके दिलो दिमाग को झकझोर देने वाले। सो इस फिल्म के डायलॉग्स को लिखा है रश्मि सोमवंशी ने, जो एक्टर भी है और इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी है। कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज आई थी थिंगिस्तान जिसमें आपने इनको देखा है। विनीत सिंह कुछ दिनों पहले रंगबाज आई थी सीजन 3 और क्या अमेजिंग एक्टिंग की है इन्होंने, चारों तरफ बस इनकी ही बातें हो रही है। और पूजा पांडे थिएटर करती रही है, इंडियन क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ले चुकी है और इस फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले कर रही है। पूजा पांडे ने डेब्यू किया था 2017 में, फिल्म थी 2 घंटे की बात। उसके ठीक 2 साल के बाद यानी कि 2019 में फिल्म आई चौसर फिरंगी, क्या अमेजिंग काम किया था उसमें। और फिर 2021 में इनकी फिल्म आई थी कोर्ट, संजय मिश्रा के साथ लीड कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और आपको मैं बताना भूल गया मनीष मुंद्रा के बारे में, ये डायरेक्टर बनने के पहले प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर बनने के पहले ये कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थे यानी कि प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। तो प्राइवेट नौकरी करने वालों को अपना भविष्य सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स बिल्कुल खुले हुए हैं। मनोज एम गोस्वामी जिन्होंने सिया का साउंड डिजाइन किया है और इन्होंने कमाल का काम भी किया है, फिल्म बाहुबली 2 हो, तलाश हो, कमीने इश्कियां, सात खून माफ, मटरू की बिजली का मंडोला या फिर खुदा हाफिज, इन फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर इन्होंने ही डिजाइन किया है। ट्रेलर और टीजर के बाद ये बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है कि सिया फिल्म की कहानी एक रेप विक्टिम की है जिसे अपनी लड़ाई लड़नी है कानूनी तौर पर ताकि उसे जीत मिल सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके, उनको सजा मिल सके। मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि अगर जरूरत पड़े सामने वाले को तो उसकी मदद जरूर कीजिए। आपके आसपास माहौल ऐसा बनाइए कि किसी को दिक्कत ना हो और अनकंफर्टेबल फील ना हो, बस आप सफल और जिंदगी सफल। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। सिया आपको पसंद जरूर आएगी और इसके जो एक्टर्स हैं वो बड़े अमेजिंग रहने वाले हैं। नाम इनका बहुत बड़ा ना हो, स्टारडम उतना बड़ा ना हो, लेकिन एक्टर जबरदस्त हैं।
सो आई होप कि ये भी फिल्म आपको पसंद आएगी। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रिविया इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, ये आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखें, और ख्याल रखते हुए दिमाग पे जोर जरूर डालना। थैंक यू।